हेलो। हेलो, हाँ जी बोलो। सर, हमारे पे मैसेज किए थे आपकी 25 लाख का लॉटरी लगा है। जी, तो किस नंबर पे मैसेज आया था आपको? तुम्हारा दूसरा नंबर है जी, मेरे पहले वाले सिम पर। पहले वाला सिम पे आया तो बोलो, हुआ उसका नंबर क्या है सिम का? हाँ, बोलो नंबर तो बोलो। 7318 है, स्टार्टिंग में यही है, लास्ट में नंबर क्या है? 37। थ्री सेवन लास्ट में। ठीक है, तो लॉटरी नंबर को मिला है? 065 065 ये आपके साथ में कौन है? भाई, मेरा भाई बता रहा है कि हाँ पूछ लो कैसे, मतलब लॉटरी लगा है तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है, ये सब पूछने के लिए वही तो फोन किया है। ठीक है, तो आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपका नाम बोलो। कृष्णा। मेरा नाम कृष्णा है। तो आपका बैंक अकाउंट है किस बैंक में? खाता नंबर? बताओ। हाँ, खाता नंबर तो है सर, खाता नंबर है। यूको बैंक। नहीं, नंबर आपका है या वो आपके भैया का है? सर आप उसी से कहिए तो बात करा दें। नहीं, नंबर किसका पहले ये बोलो, नंबर किसका, आपका या उसका है? ये मोबाइल नंबर मेरा है, ठीक है, खाता नंबर भी मेरा है, तो लेकिन ये मेरे तो पास में वो भी है। वो बोला कि हाँ बात करो, तुम्हारा लॉटरी लगा है तो जल्दी से बात करो और देखो। ठीक है, तो किस बैंक का अकाउंट नंबर है? हाँ, तो हमारे यूको बैंक का है। यूको बैंक का चलेगा। आपके नाम पे, किसी और के नाम पे है? हाँ, मेरे ही नाम पे है। तो फिर अपना अकाउंट नंबर भेजो, आपका नाम, अपना एक फोटो भेज के कॉल करो, आपके नाम का फाइल भेजूंगा, अपने चेक करके कॉल करना। ठीक है, क्या क्या सर, क्या इतना सर स्लो स्लो बोलिए, बहुत तेज आप बोल रहे हैं। अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर और नेम, अपने टो अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, यार अकाउंट नंबर, आपका नाम, अपना एक फोटो या व्हाट्सएप करो, फिर उसके नाम के आपका फाइल बनेगा, फिर अच्छा। आपको फाइल भेजूंगा, उन्हें चेक करके कॉल हमने तो करना। कोई ठीक है, फॉर्म नहीं भरा था वो। लेकिन सर हमने कोई फार्म वार्म भरा ही नहीं था और हमारा ये वो आ गया। चलो छोड़ दो, चलो छोड़ दो भैया, कोई हाँ दिक्कत नहीं। अगर फार्म ही नहीं भरा छोड़ दो तो जबरदस्ती गया। नहीं सर, 25 लाख मिल रहा है तो हम जबरदस्ती क्या है सर, और मान लीजिए 25 लाख मिल रहा है तो नहीं, नहीं, जब आपको भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, फिर आप कॉल किस लिए कर रहे हो? माफ कर दो। जब ये आपको जो समझा रहा है ना, जी इस जी पर बात कर लो, फिर मेरे साथ बात कर लें। जी ठीक नहीं, है, सॉरी सॉरी सर, लेकिन आप हम ना फार्म नहीं भरे थे तो 25 लाख का मान लीजिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया 25 लाख का लॉटरी लगा है तो हम आपको फोन तो कर जानो, लिए। नहीं, जो आपको लकी ड्रॉ वो करेंगे, वो आपसे पूछ के करेंगे। तो सर, आप, अच्छा आपको अच्छा पता, मैं किस तरह बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप कोई फार्म वार्म भरेंगे तभी वो कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कहाँ मान लीजिए कोई करेगा। नहीं, जब किसी को लगता है फिर आगे ऐसी से बातें बनाते हैं, और क्या करेंगे। अच्छा सर, ठीक है सर, तो इतना ही प्रोसेस है बस सर। तो आपका कौन पैसा छोड़ा जाएगा, ट्रांसफर होगा? हाँ तो अरे, आप सर, किसके साथ बात कर रहे हो? आपको पता किसके साथ बात कर रहे हो? नहीं सर, हम तो नहीं पता है आपसे। पहले यार, जो ये आपको समझा रहा ना, पहले इनसे बात कर ले अच्छे तरीके से, फिर मेरे साथ बात करो। सर ये तो कुछ अब बात कर रहा है, कहाँ बात कर रहे हो यार आप, लो पहले इनसे बात कर लो। हेलो, ये चुगा मुगा लगा रहे हैं ना। हाँ हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हाँ सर, ये 25 लाख का इसका लॉटरी लगा, इसी के बारे में हम पूछ रहे थे। हाँ, इसने कोई फॉर्म नहीं भरा था तो कैसे निकल गया इसका, हम यही नहीं पूछा। भरा था तो जब किसी को लगता है तो वो आपको फॉर्म पूछेंगे। अरे भर गया टैंकर है। आप अकेले कस्टमर है? अच्छा ठीक है, हम इसका भेज रहे हैं। ठीक है सर, प्रोसेस बता दीजिए, बता दीजिए आप। अकाउंट नंबर, नाम, फोटो भेज के कॉल करो, जिसका जी भेज रहा उसी का अकाउंट, उसी का नाम, उसी का फोटो चलेगा। ठीक ठीक ठीक, हम भेजवा रहे हैं। ठीक है, गरियाई का तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, आप चलिए इसका हम अकाउंट नंबर वगैरह भेजवा रहे हैं, इसका फोटो भेजवा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है, बताता है, पूरी वीडियो जारी रहेगी, कंटिन्यू देखते रहिए कैसे ये लोग लूटते हैं, आपको पता चलने वाला है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं अपना फोटो और मोबाइल नंबर और अपना जो खाता का अकाउंट नंबर है वो सब भेज दिया हूँ, यहाँ सब भेज दिया हूँ, और इसको मैसेज भी किया हूँ कि सर मान लीजिए पैसा दे दीजिए, तो अब देखो क्या होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं ये ना रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे हैं कि हम लोग छत पे थे और वहाँ पे ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अब हम लोग नीचे चले आए हैं, उसका इंतज़ार करते करते 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, और फिर उसको कॉल करते हैं, देखते हैं। तो पासवर्ड है,
खुल गया और इसको कॉल करते हैं वॉइस कॉल। ये आप लोग देखते रहिए और आप लोग के सामने। हेलो हाँ बेटा, मैं आपके अकाउंट में लगा दिए पैसा, यहाँ से लगा दिए बेटा, होल्ड पे लगा दिया है बेटा। की बात ये है कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 16,150, वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे पे करोगे उसका 10 मिनट के बाद अपने अकाउंट में जाके पैसा चेक कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा। सर एक मिनट, आप क्या बोल रहे हैं सर, इतना तेज तेज क्यों बोल रहे हैं, बोल रहे थे थोड़ा स्लो बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। बेटा पैसा मैंने आपके अकाउंट में लगा दिया है, होल्ड पे लगा दिया है, ठीक है। जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर होता है उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स 16,150, वो आपने पे करना है। जैसे पे करोगे उसका 10 मिनट के बाद आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ जाएगा और अपने अकाउंट में जाके पैसा चेक भी कर सकते हो। एटीएम कार्ड लगाओ, पासबुक लगाओ, वो आपका दिक्कत है, हमारी तरफ से पैसा चला जाएगा। ये गूगल पे से कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो, यहाँ से करोगे आपको अकाउंट नंबर खाता नंबर दे देगा जिसमें आपने पे करना होगा। तो सर हमको 16,000 कितना रुपया, 16,150 जी। कौन अगर सर पैसा नहीं आया तो सर आप ये अपने गूगल पे से कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉप, मनी शॉप, पेटीएम, ग्राहक सेवा, बेस्ट यूनियन, हर बिल शॉप, जहाँ से करोगे उसके लिए मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा जो हमारे जीएम साहब है जो आपके चेक ऊपर साइन करेंगे उसके नाम का अकाउंट नंबर दूंगा। जैसे लगाओगे उसके 10 मिनट के बाद अपने अकाउंट में जाके पैसा चेक कर सकते हो, अब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भी जाए। सर तो लेकिन सर लेकिन आपने कोई मतलब प्रूफ दिया नहीं है कि हाँ मान लीजिए पैसा, मान लीजिए 16,100 रुपया आपको हम भेज दें, उसके बाद से आप पता चले कि आप ना है मेरे पास पैसा। बेटा आपको क्या प्रूफ चाहिए, मैं आपका आधार कार्ड सेंड कर दूं? हाँ अपना आधार कार्ड सेंड कर दीजिए और क्या। तो कहाँ से करोगे पहले मेरे को ये बताओ, फिर मैं आपको प्रूफ सेंड करूंगा। अगर जमा कर सकते हो, नहीं कर सकते, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या मैं आपको सेंड करूँ। सर मैं पैसे तो पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको ये आधार कार्ड आप अपना प्रूफ दीजिए। ठीक है मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप चेक करके कॉल कर लें। और दूसरी बात, ठीक है अभी हम ऑफिस में, ठीक है हम जो फाइल कंप्लीट करना है लोगों का, ठीक है अभी मैं ऑफिस में सिर्फ 5 मिनट के बाद मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ जिन लोगों हमने कम्प्लीट करना था, और आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा हम कहाँ पे हैं। जी 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 मैं आपको आईडी प्रूफ सेंड कर देता हूँ, चेक कर लें। ठीक है सर, जी हम साहब का वीडियो आपको सेंड करूंगा, वो भी चेक कर लें। जो आपके चेक पर साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, पैसा लगाओगे कहाँ से? सर मेरे पास फोन पे है सर। फोन पे है क्या? जी सर। ठीक है तो अपने फोन पे से कर सकते हो। हाँ मैं आपको अकाउंट नंबर खाता पर सेंड करता हूँ और आपके व्हाट्सएप पे मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और अपना एटीएम कार्ड लगाओ, पासबुक लगाओ, उसके जरिए अपना पैसा जाके चेक कर सकते हो। जी ठीक है सर, फिर आप प्रूफ भेजिए और देखते हैं। ठीक है मैं आपको भेजू। तो जैसा कि आप लोग के सामने हम लोग बात कर लिए, वो पैसे देने को बोल रहा है 25,00,000 रुपए और हम लोग को 16,100 रुपये पे करना है। तो फिर प्रोसेस जो जो होगा वो बताएंगे अबसे कब बताएगा। चलो बताओ फिर, हम थोड़ा पैसे वैसे का इंतजाम करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग चूतिया बनाने के लिए रेडी हो मतलब इस प्रकार से दोस्तों बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। ये चूतिया बट शोभा नहीं देता, लेकिन आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, काफी सारे लोग हमारे चैनल पर दोस्तों कमेंट किया करते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बना के दिखाया किस प्रकार से ये लोग पैसा लूटते हैं। तो आज आप लोग बिल्कुल लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग पैसा लूट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे अभी इसकी आईडी देखते हैं, क्या इसने कुछ आईडी हमें भेजा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, और हम व्हाट्सएप अपना खोल रहे हैं। तो अभी तक तो दोस्तों इसने कुछ नहीं भेजा है, लेकिन अभी शायद ये कुछ ही मिनटों में भेज देगा हमें।
तो दोस्तों जैसा अभी की बात हो रही थी कि वो अपना आधार कार्ड भेजे, और दोस्तों देखिए उन्होंने उसने आधार कार्ड भी भेजा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए उसने आधार कार्ड भेजा है, एक ओके करके दिखा देता हूँ। देखिए आधार कार्ड उसने भेजा है, और देखिए उसके बाद एक वीडियो भेजा है, वो वीडियो जरा देखिए आप ध्यान से क्या उसमें वीडियो में बता रहा है। देखिए कंप्लीट करके अपना पैसा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपके पास वीडियो हमारा आ गया, ये देख रहे हैं सब बैंक का मशीन लगा हुआ नजर आपको आ रहा है। ओके सर, थैंक यू, नमस्कार। तो देखिए उसने किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाने के लिए एक छोटा सा वीडियो भेजा हुआ और पीछे करोड़पति लिखा हुआ है, बोल रहा है देखिए सर कोई इशू नहीं है, अपना पैसा लीजिए, मैं यहाँ से आपका काम कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसे मुहर लगा रहा है। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो कॉल करने की बारी है, चलिए उसको हम वीडियो कॉल करते हैं, उसे पूछते हैं क्या। तो चलिए वीडियो कॉल ये कर रहे हैं, करिए। तो दोस्तों अभी वो वीडियो कॉल कर रहा है, बिल्कुल लाइव, देखिए कैमरा मुंड दो। कैमरा मुंड दो, बोलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। बोलो बेटा, ये क्या चीज दिख रहा है क्या? सर हमारा कैमरा खराब है। सर क्या चीज है ये? क्या चीज है, क्या है? सर हमारा कैमरा खराब हो गया। सर मेरा कैमरा, सर ये तो मोदी जी हैं सर। तो मोदी जी तो जरूर लग सकता है बैंक में जी। ये मोदी सरकार का तस्वीर लग सकता है बैंक में सर? इतना हरका क्यों बोल रहे हैं सर? ये कौन है? गांधी जी हैं सर। ये गांधी जी है ना? जी जी, ऑफिस है क्या आपका? ऑफिस है सर, ऑफिस दिखाइए, ऑफिस क्या? ऑफिस दिखाइए ना सर, थोड़ा सा आदमी उदमी दिखाइए, उसमें वर्कर दिखाइए 10-15 को जो काम करता है। जो काम करते हैं उनको दिखाओ। हाँ दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। अच्छा कंप्यूटर दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये? कंप्यूटर दिख रहा है। हाँ सर कंप्यूटर दिख रहा है और उसमें एक बंदा है शायद। तो दोस्तों देखा, आप लोग देख लिए दोस्तों, आप लोग देख लिए किस प्रकार से वीडियो कॉल भी ये लोग करके दिखा देते हैं और लोगों को चूतिया बना देते हैं। अब चलिए इसको कॉल करते हैं, थोड़ा हो जाए। चलो कॉल करो भाई। तो फिर वीडियो ऑडियो कॉल आया है। हेलो हाँ सर, हमने आपको मजबूर दिखाया कि ये गरीब आदमी है, क्या अपना पैसा जाया ना करे। जी सर, तो ये कहाँ पे, मतलब किसी को ना झूठ बोलेंगे, ना किसी को बात करेंगे, ना करने को कुछ जरूरत है बेटा। टैक्स आपका, टैक्स भरोगे आपके अकाउंट में, यहाँ से पैसा फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर भरना चाहते हो तो मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूँ, उसमें पैसा लगाओ, लगा के अपने अकाउंट में जाके पैसा चेक कर ले। हाँ सर अकाउंट नंबर आप भेज, तो यार अकाउंट नंबर भेजिएगा तभी तो। तो कहां से करोगे? कहां से करेंगे, तुमको चूतिया हो गया तुम? तुम तेरी मां, तेरी मां की, तुम लोग गरीब आदमी को लूटना जानता है। हां तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, जैसा कि हम सब गाली देके उसको भगा दिया, और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम उसको गाली वाली दिए। बताइए आप, गरीब बंदा मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दो चार पैसे इकट्ठा करता है, और उसको अचानक फोन आता है कि 25 लाख रुपए का लॉटरी लग गया। आप बताइए उसके दिल में क्या गुजरता है कि अरे आपको 25 लाख मिलेगा, और वो बेचारा मेहनत किया हुआ पैसा इन लोगों को दे देता है, और बोलता है बाद में कि सर इतना पैसे का फ्रॉड हो गया, ये हो गया। दोस्तों काफी सारे लोग हमें कॉल करते हैं, तो उनसे जब बात होती है तो बताते हैं हमने अपनी लड़की की शादी करने के लिए पैसा कलेक्ट किया था, या फिर हमने अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, छोटा जो उनका घर होता है, जो मड़ैया होती है, झोपड़ी पट्टी होती है, उसको वो लोग बड़ा करने के लिए सपना देखे होते हैं। वो सपना दोस्तों बिखर, सपना का सपना ही रह जाता है। वो गरीब लोग कैसे भी रोज का 100 रुपए 200 रुपए किसी के घर पे बर्तन मान पे कैसे भी करके वो लोग इकट्ठा किए होते हैं गरीब आदमी, और ये लोग लालच दे करके दोस्तों उनका पैसा लूट लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों देखिए किस प्रकार से ये लोग लूटते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये वीडियो अधिक से अधिक, जितने अधिक लोगों को शेयर करेंगे।